बीरबिलिंग। वैसे तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ का एक अलग ही अंदाज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बीरबिलिंग हम पहुँचे कैसे? हम दिल्ली से आए और वहाँ पठानकोट की ट्रेन ली हमने पहले। वहाँ से एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि बैजनाथ पपरोला स्टेशन पे उतारती है, और वहाँ से हमने टैक्सी ली और यहाँ तक आए। जर्नी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। टॉय ट्रेन में जब आप आते हो, व्यूज़ देखते हो, वो ज़बरदस्त होते हैं। जोस्टल जो है ये अपने आप में एक ऐसे ही जगह पर है और ऐसी जगह बना हुआ है कि आप पूरा दिन चाहे तो यहीं पर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना। बंक बेड्स हैं, चार की डॉर्मेट्री। हॉस्टल के इस रूम के अंदर से लग रहा था कि कहीं बाहर घूम रहे हैं। ये भैया हमें एक बड़ी जबरदस्त साइकिल देने वाले हैं। ये डबल चलाने वाली साइकिल है, मैंने इसको पिक्चरों में ही देखी है। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, खूबसूरत कोई अपना हम सब रहता। कौन से कैफे में जाना? जून 16 कैसी है? बिल्कुल खराब है। बिल्कुल मत गाइस, हमारे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पेड़ है। हम दोनों हैं जो इसको ऊपर चढ़ेंगे। अच्छा। और फिर देखते क्या होता है। कल हमने एक्सप्लोर किया है डबल साइकिल पे, आज हम सिंगल पे जाएंगे। गाइस ये अमूल की शॉप है, यहाँ से मैं बाइक रेंट कर रहा हूँ। इज़ द वन जो हमें बाइक्स दे रहे हैं, और इनकी तारीफ में कि ये वॉलंटरीली रिटायरमेंट के बाद अपनी मस्ती मार रहे हैं और हमें मस्ती दे रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने जस्ट यहाँ पर लैंडिंग हो रही है। छः किलोमीटर का जंगल का रास्ता मोनेस्ट्रीज की तरफ जा रहा था। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता अपना काम जरूर कर रहा था। गाइस हम पूरी साइकिल का 6 किलोमीटर रास्ता तय करके शेरावलिंग मोनास्ट्री पहुंच गए। जो सांसें साइकिलिंग करके तेज हो गई थी, उनको इस नज़ारे ने आराम दे दिया। जितनी तेजी से आए थे, उतने ही आराम से वापस चल दिए और खो गए इस पैराग्लाइडिंग कैपिटल में। गाइस हमने अब स्कूटी हायर करी है और अब हम जा रहे हैं गुनेर रिवर के लिए। साइकिल का जो है हमारा सफ़र पूरा हुआ। सफ़र तो पूरा हुआ साइकिलिंग का, पर स्कूटी ने कपकपी छुड़ा दी। गुनेर वाटरफॉल एक ऑफ बीट जगह है
जिसका रास्ता थोड़ा एक्टिवा से और थोड़ा ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे हमने अभी एक्टिवा पार्क कर दी है और अब यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूर है गुनेहर वाटरफॉल, तो हम वहाँ पे वॉक करते हुए जाएंगे और आपको वैली का जो है व्यू दिखाते हैं, उससे होके जाएंगे हम। ऐसे साइन बोर्ड्स देखकर पता नहीं क्यों जाने का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। बीर जितना पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है, उतना मोनास्ट्रीज के लिए भी। यहाँ पे कुल 3 से 4 मोनास्ट्रीज हैं। जब ये प्रेयर फ्लैग्स हवा में झूलते हैं, छोटे छोटे मॉन्क्स मोनास्ट्रीज में खेलते हैं, तो कदम रुक से जाते हैं, बैठे बैठे मन खो जाता है, और फिर आसमान में किसी पैराग्लाइडर को देखकर यकीन ही नहीं होता कैसी दुनिया में आ गए हैं। हमने थोड़े से फ्रूट्स और चिप्स ले लिए, अब हम चलने जाएंगे माता महेश्वरी के मंदिर 360 डिग्री व्यू के साथ। ये पूरा जंगल में से होते हुए आधा पौना घंटा ट्रैक करने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल रास्ता था, हम पहुंच गए टॉप पे। माता महेश्वरी टेम्पल का ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है। यहाँ से दिखता है पहाड़ों से घिरा हुआ लश ग्रीन बीरबिलिंग, जिसमें सनसेट देखने का भी एक अलग ही अंदाज है। चलो चलो चलो, रुको रुको रुको, क्या हुआ क्या हुआ।